गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ये सूजी है, इसको घोलेंगे और ये एक 5 रुपये वाला दूध पैकेट ले लिए हैं, इसको भी इसमें मिलाएंगे और थोड़ा सा बादाम भी मिलाएंगे। और ये सूजी का आज हम लोग छिलका रोटी बनाएंगे। और ये पालक साग है, इसे काट देते हैं, इसको आलू के साथ में सब्जी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है क्योंकि बरसात पहुँचने वाला है ना। ये कल से लाए हुए थे, थोड़ा सा सूख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पलक साग को काट दिए हैं और इसमें थोड़ा सा हम लोग आलू मिलाएंगे। ये काट के तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर ये सूजी को हम लोग पानी में भिंगा करके रख दिए हैं। इसमें एक ठो ये अमूल पाउडर मिलाएंगे और सूजी में बादाम भी मिलाएंगे, उसका छिलका रोटी बनाएंगे और आलू और पलक का सब्जी बनाएंगे। ये दूध उबलने के लिए पानी गर्म कर लिए हैं और दोबारा से कढ़ाई चढ़ा देते हैं आलू और पालक साग का सब्जी बनाने के लिए। ये मिर्चा का छौंका लगा दिए हैं। ये अमूल पाउडर है, इसको काट करके गर्म पानी में उबाल देते हैं। उबाल देते हैं तो उधर लेंगे। और ये अभी हम लोग का आलू फ्राई हो चुका है, इसमें अभी हम लोग मसाला डाल देंगे। पहले ये नारियल है दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं। और ये टमाटर मिला दिए हैं सब्जी में, आलू फ्राई हो चुका है। नारियल को निकाल करके घीस देते हैं। थोड़ा सा ये
ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का पालक आलू का सब्जी तो मस्त बन रहा है दोस्तों। ये थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। ये बादाम है, इसको भी हम लोग सूजी में मिलाएंगे। ये आलू और पालक का सब्जी हम लोग का तैयार हो रहा है, और थोड़ा सा पका लेते हैं। ये बादाम का छिलका को हटा दे रहे हैं। ये नारियल को घीस दिए हैं, उतना महीन नहीं हुआ, इसको सिलपट्टा में पीसेंगे। और ये हम लोग का आलू और पालक का सब्जी भी तैयार हो गया, इसको उतार देते हैं। और यहाँ पर हम लोग सूजी भिंगा कर रखे थे, ये फूल चुका है। और ये दूध को घोल दिए हैं, और ये बादाम को भी हम लोग धो के साफ भी कर दिए। ये थोड़ा बादाम को भी कूट देते हैं, कहे कि दाना दाना है ना, थोड़ा सा महीन कर देते हैं। इसको खाली कूट देना है। ये बादाम को भी कूट दिए हैं, थोड़ा सा हल्का महीन कर दिए हैं। ये प्लेट में रख देते हैं। नारियल को थोड़ा सा पीस लेते हैं। कहे कि ये भी दाना दाना है ना, ये एक मोटा दाना है। ये नारियल को भी पीस दिए हैं। ये सूजी भींग करके फूल गया है, इसमें ये नारियल को मिला देते हैं, और ये बादाम को भी मिला देंगे। ये बादाम भी मिला दिए, और थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक भी दे देते हैं हल्का बस, और चीनी दे देंगे। ये चीनी है बस, और थोड़ा सा ये दूध हम लोग घोल करके रखे हैं, इसको भी डाल देते हैं। हाथ से ही मिलाना होगा, ये चम्मच से ठीक से नहीं मिल पाएगा। इसको बढ़िया से फेंटना होगा, थोड़ा सा इसमें मैदा भी मिलाएंगे हम लोग। ये मैदा है, ये भी मिला दिए, थोड़ा सा मिला दिए हैं। केवल सूजी से बनाने से फटेगा, और मैदा मिला देने से पकड़ में आ जाएगा। अभी इसको 5-10 मिनट तक ढका देते हैं। और ये थोड़ा सा नारियल बचा हुआ था, और पानी में घोल करके इसको आलू और पालक सब्जी में डाल देंगे। ये बचा हुआ नारियल को घोल लिए हैं, ये आलू पालक का सब्जी में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं, ताकि इसमें नारियल डाल दिए हैं हम लोग। 5-10 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है, अभी हम लोग तवा चढ़ा दिए, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तवा गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, और चारों तरफ फैला देते हैं। पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तवा। ये थोड़ा सा खुदरा खुदरा दिख रहा है, पकने के बाद में ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसमें नारियल भी मिला दिए हैं, बादाम भी मिला दिए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालना पड़ता है, क्योंकि ये लटक जाएगा नहीं तो तवा में। एक तरफ से ये धीरे धीरे पक रहा है, और थोड़ा सा पकने देते हैं, उसके बाद में इसको पलट देंगे।
करती हूँ, देखो। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से पक चुका है, अब दूसरी तरफ पलट दिए हैं, उस तरफ भी पका लेते हैं। ये तैयार हो चुका है, इसको उतार देते हैं। ये तीसरा रोटी भी हम लोग का तैयार हो गया, तो बहुत मस्त बना है दोस्तों। इसमें नारियल और क्या बोलते हैं, बादाम मिला दिए हैं। ये चौथा रोटी बना देने के लिए डाल दिए हैं, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, और दो के करीब बनेगा। चलिए दोस्तों, सबको बना लेते हैं। ये हम लोग का सूजी का पीठा तैयार हो चुका है दोस्तों, और सबके लिए एक टू हुआ है, छः टू हम लोग बनाए थे। बहुत बढ़िया बना दोस्तों, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट, इसमें नारियल भी मिला दिए है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अभी खा रहे हैं। ये देखिए बहुत मस्त बना है, साहब के लिए एक एक टू हो गया, ऋतु के लिए भी, बाबू के लिए बचा दिए, उन लोग बाद में खाएगा। सूजी को ज़्यादा देर तक भिंगा कर रखने से इसमें मैदा मिलाने का भी दरकार नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन हम लोग तुरंत बना रहे थे ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैदा मिला दिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।